Namaste, welcome to my channel. And after a short gap, I'm coming back again with a new video. And this video is about a very important aspect that is regarding infrastructural requirement of laboratories, library, and sports facility that a school has to offer to its students. Now, as you are all aware that the new National Policy of Education has very clearly pronounced that learning should be experiential, holistic and competency based. So to ensure all these things are happening, we need very strong laboratories and library in our schools. So here I will share my screen without wasting any further time. And I want to show you what the circular talks about. And then I'll point towards that particular line, which I felt is very, very important for most of the schools to take a note of and make amendments if it is already not in place. So the circular is dated 4/10/2022. And as always, I would always go for a bilingual mode because the National Policy of Education also speaks about, you know, speaking in the local language as far as practicable, and indigenous languages need to be promoted. So, pehli baat to ye hai ki ye jo circular hai, ye CBSE affiliation wing ka publish kiya hua circular hai. जिसके वजह से इस सर्कुलर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. ये सर्कुलर नंबर है 11/2022, जो आप सीबीएसई का जो वेबसाइट है उसमें सर्कुलर्स का टैब में जाके आराम से इसको देख सकते हैं. अपने टाइम से आराम से इसको पढ़िए लाइन बाय लाइन. बट व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट ओवर हियर इज जो यहाँ पर बताया हुआ है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग and learning by doing. Besides ensuring the school becomes a center for holistic development of students, laboratories, library and sports are integral to the learning process in a school. Yahan par main chota sa ek kahani batana chahunga jo bahut important kahani hai, maine suna tha. Halanki internet mein, Google mein isko search karte hue kahin par main 100% guarantee se nahi bol sakta ki ye hua hi tha, lekin दिलचस्प कहानी है तो शायद आपको पसंद आए. कहानी उस इंसान का है जिसका नाम है, जिनका नाम है लिनस पॉलिंग. लिनस पॉलिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा. ही इज वन ऑफ द यू नो वेरी रिप्यूटेड नोबेल लॉरियट्स, मेनली बिकॉज ही वन द नोबेल प्राइज ट्वाइस. दो बार उनको नोबेल प्राइज मिला था, एक बार केमिस्ट्री के लिए और एक बार पीस के लिए. तो कहानी ऐसा है कि विक्रम साराभाई पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था कि जब लिनस पॉलिंग इंडिया में आएंगे तो वो उनको घुमा के बहुत सारे जगह पे लेके जाएंगे और दिखाएंगे बहुत सारे इंडिया के लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स, स्कूल्स. तो कहा जाता है कि जब ये टूर हुआ और टूर खत्म करने के बाद जब विक्रम साराभाई ने उनसे पूछा कि बताइए आपके ओपिनियन क्या है इंडियन स्कूल्स के बारे में, तो लिनस पॉलिंग ने उनको बताया कि आर यू श्योर यू रियली वांट टू यू नो हियर दिस फ्रॉम मी बिकॉज इट मे नॉट बी वेरी प्लेजेंट टू लिसन टू. तो उन्होंने बताया यस नो मैटर व्हाट यू शेयर योर ओपिनियन विद मी कि आपको लग क्या रहा है. तो लिनस पॉलिंग फॉर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि एक ऐसा इंसान था जो अमेरिकन होते हुए उनका प्रेसिडेंट को बोलने का हिम्मत रखा था कि यू आर रॉन्ग, नो ये जो मास डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, वॉर्स आप छेड़ रहे हो, इसमें आपकी गलती है. तो जो प्रेसिडेंट का ना केयर करे, अपना खुद का प्रेसिडेंट का केयर ना करे, वो ऑब्वियसली किसी और का केयर तो कर ही नहीं करेगा ही नहीं. तो उन्होंने क्या बताया कि यू नो इंडियन स्कूल्स दे हैव कैटेगरी ए बिल्डिंग्स, कैटेगरी टू टीचर्स एंड कैटेगरी थ्री लेबोरेटरीज. तो और सुनने में वो बहुत अच्छा नहीं लगता है कि हमारे लेबोरेटरीज को उन्होंने ग्रेड थ्री लेबोरेटरीज बताया था, लेकिन बात सच है. और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करने के बाद इसलिए कर रहा है क्योंकि सही मायने में आज भी हमारे देश के बहुत सारे स्कूलों में लेबोरेटरी अप टू द मार्क नहीं है. मैं जब अलग अलग सीबीएसई का एफिलिएशन इंस्पेक्शन करता हूं, रिव्यूज करता हूं, तो मुझे साफ नजर आता है कि शायद सीबीएसई का बायलॉज भी लोग ठीक से नहीं पढ़े हैं और जो लेबोरेटरी उन्होंने बना के रखा हुआ है उसका साइज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क नहीं है. तो बायलॉज में तो
लेबोरेटरीज के बारे में कुछ बताया हुआ था उसका साइज के बारे में, लेकिन सबसे अच्छा बात जो अभी है कि ये जो सर्कुलर है इसके साथ एक एसओपी जुड़ा हुआ है, एसेंशियल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर एफिलिएशन विद सीबीएसई, और कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी कैसे होगा, फिजिक्स लैब कैसे होगा, केमिस्ट्री लैब कैसे होगा, सारे चीजों के एसओपी है। लेकिन जहां पर मैं आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहूंगा, वेयर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन इज यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ laboratories that is being talked about. The first is the composite science laboratory, second is physics, third is chemistry, fourth is bio, fifth is maths, sixth is computer, seven is library, and finally sports infrastructure kaisa hona chahiye school mein, right? And this is compulsory for you know different school levels, secondary, senior secondary, middle. To uska bhi zikr is circular mein kiya hua hai. To मेरा हमेशा वीडियो का एक पर्पस ये रहता है कि सर्कुलर की उस जगह पे आपको पॉइंट करूं जो जगह आपका नजर से शायद छुप जाए अगर आप ध्यान ना दो तो। तो ये जो एरिया है वो ये फर्स्ट पॉइंट है, कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी। बहुत सारे स्कूलों का ये ओपिनियन है कि कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है, और जैसे ही आप उसको अपग्रेड करते हो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए, फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीन अलग अलग लैब आपको चाहिए, कंपोजिट लैब नहीं चाहिए। तो ये सर्कुलर पे आप देखिए यहां पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी कंपल्सरी फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी बोथ स्कूल्स एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्लासेस। तो ये चीज आप ध्यान दें यहां पर कि बताया गया है कि कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी इज नॉट ओनली कंपल्सरी फॉर सेकेंडरी you know schools but also senior secondary school. Ho sakta hai aapke paas physics ka lab ho, chemistry lab ho, bio lab ho, but aapko ek composite science lab hona bhi zaruri hai. This is I would say the key highlight point of this particular circular. Baki agar aap dekho bahut important cheez jo bataya hua hai wo hai ki ye jo SOP hai usme introduction, expectation kya hai schoolon se, uske bare mein baat kya hua hai, jaise conduct experiments also involving quantitative measurements, appreciate how concepts of science evolve with time, giving importance to its historical perspective, develop scientific temper. To ye kuch general baatein, kuch general philosophical baatein bataya hua hai, vision bataya hua hai, but aur kuch important cheeze inme zikr kiya hua hai. For example, chapter 4 of NEP, curriculum and pedagogy in schools, learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging, has laid a wide emphasis on experiential learning in all stages of science education in paragraph 4.6. So science education ke bare mein NEP jo bata raha hai usme engaging hona chahiye, enjoyable hona chahiye, aur aapko clear malum hi hai ki laboratory mein jo enjoyment hota hai, jo engagement hota hai, wo theory class mein us level mein ho nahi pata hai. So laboratories ko strengthen karne ke baad obvious hai और ये होना ही था. तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो फेज वाइज इंप्लीमेंट होने वाला है यू नो 2040 तक, मैं हमेशा जो एनईपी का सेशन लेता हूं मैं उसमें बताता हूं कि 2040 तक फेज वाइज अलग अलग चीजें इंप्लीमेंटेड होंगे. उसमें एक बड़ा इंप्लीमेंटेशन ये आ गया कि लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करो, राइट? तो स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है. चैप्टर 7 ऑफ एनईपी 2020 इन पैरा 7.5 हैज मेंशनड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज for strong science education. And according to para 12.1, effective learning requires a comprehensive approach that involves appropriate curricula, engaging pedagogy, continuous formative assessment, and adequate student support. The curriculum must be interesting and relevant and updated regularly to align with the latest knowledge and requirements and to meet specified learning outcome, which can be made possible by well-equipped science laboratories. So NEP का कौन सा पैरा में, कौन सा लाइंस में साइंस लैब के बारे में बताया हुआ है वो आप NEP का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ेंगे तो वहां भी आपको नजर आएगा, इस एसओपी में भी लिखा हुआ है. तो ये ध्यान देने वाला बात है, इसको इंपॉर्टेंस देने वाला बात है, ये पढ़ के भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है. नाउ एक जो अच्छा मुझे लगा इस सर्कुलर में कि एक मॉडल दिया हुआ है. इससे पहले कहीं पर भी सीबीएसई ने
एक मॉडल बना के स्कूलों के सामने नहीं रखा था कि लेबोरेटरी दिखना कैसे चाहिए. यू नो डिफरेंट इंस्पेक्शन में हम लोग जब जाते थे, वी यूज्ड टू टेल एंड रेकमेंड पीपल डिफरेंट थिंग्स, बट यू नो व्हेन दे यूज्ड टू आस्क कि कहां पर लिखा हुआ है, तो वहां पर हमारे हाथ में बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे जहां दिखा सके कि भाई यहां पर लिखा हुआ है, आप फॉलो करें इसको. तो यहां पर देखिए एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जहां पर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम 30 feet by 20 feet, तो 600 स्क्वायर फीट का जो रिक्वायरमेंट है लेबोरेटरी का, वो यहां पर आपको एक डायमेंशन के तौर पे दिखा रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द लेबोरेटरी. साइज ऑफ द लेबोरेटरी छोड़ के अभी दिखे यहां पर और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा. ये देखिए, तो मूवमेंट स्पेस देखिए कहां पर से है, साइड से मूवमेंट स्पेस बताया हुआ है कि डोंट नीड टू क्रॉस द टेबल्स, यू नो लाइक यू नो. सो एक टेबल को बीच में हम लोग चार टेबल का एक जगह देख रहे हैं बनाया हुआ है. सो दीज आर डेमोन्स्ट्रेशन टेबल्स, और एक टेबल में 1, 2, 3, 4, 5 और इधर से 5, मतलब 10 बच्चे एक टेबल पे बैठेंगे या काम करेंगे आई वुड से. तो 10 और 4 मतलब 40 बच्चों को एक साथ काम करने के लिए ये लेबोरेटरी बनाया गया है. और मूवमेंट का जो स्पेस है वो आउटसाइड से है, ये टेबल के थ्रू नहीं है, राइट. सो यू कैन हैव लॉन्ग टेबल्स जहां पर आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सके. आप यहां पर देखिए स्टोरेज कबर्ड्स का जगह दिया हुआ है. सो एक तरफ स्टोरेज कबर्ड्स रहेगा, डिस्प्ले बोर्ड या नोटिस बोर्ड यहां पर रहेगा. उसके उल्टे तरफ जो रूम के जो अदर साइड है उसमें देखिए टीचर के लिए जगह बना हुआ है, इंस्ट्रक्टर के लिए. यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड आप लगा सकते हैं या नॉर्मल ब्लैक बोर्ड भी लगा सकते हैं. यहाँ पर कुछ डिस्प्ले या नोटिस बोर्ड यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, डिस्प्ले या नोटिस बोर्ड्स. और यहाँ पर जो है टेबल में एक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि आप कम से कम 8 सिंक रखिए, सिंक विथ रनिंग वाटर. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप देख सकते हो 8 सिंक यहाँ पर, या बेसिन जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, वो बेसिन या सिंक वो होना जरूरी है विथ रनिंग वाटर फैसिलिटी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग रेकमेंडेड बाय CBSE. एंड ये टेबल का जो साइज है उसमें विथ प्रेफरेबली 3 feet का होना चाहिए, लेंथ आप रूम का जो साइज है आपका उस हिसाब से आप उसको बना के रखिए. और एक चीज नजर करने वाला है वो है कि यहाँ पर 2 दरवाजे का बात किया हुआ है, door 1 and door 2. लेबोरेटरी को प्रेफरेबली 2 दरवाजा होना चाहिए क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जल्दी से लेबोरेटरी को वेकेट कर सके. सो ये हो गया कंपोजिट लैब का बात. कंपोजिट लैब के इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड. उसमें क्या क्या है, लैब साइज, स्टोरेज के लिए कैसा चाहिए, नो टीचिंग फैसिलिटी कैसे होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल कैसे होना चाहिए, डिस्प्ले नोटिस बोर्ड, गैस और हीटिंग फैसिलिटी, सिंक विद वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कम से कम 2 bin टू बी इंस्टॉल्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है. फ्लेमेबल केमिकल बॉटल्स मस्ट बी पैक्ड सेपरेटली, एम्प्टी केमिकल बॉटल्स मे बी पैक्ड इन कार्टन्स और सैक्स. तो ये सारे जो सेफ्टी मेजरमेंट है वेस्ट डिस्पोजल का, वो भी ख्याल रखने के लिए बात किया गया है. फायर सेफ्टी के बात किया गया है, फायर एक्सटिंग्विशर्स टू बी इंस्टॉल्ड एट प्रोमिनेंट प्लेस within the laboratory or in the corridor outside the laboratory. तो या तो आप laboratory के अंदर में fire extinguisher रखे या फिर just उसको opposite में जो corridor का wall है उसमें आप रख सकते हैं. Exhaust fan का बात किया हुआ है, कम से कम 2 होना चाहिए और first aid kit होना चाहिए, 2 in number. And heating facility, 1 heater should be available in the lab to conduct heat related experiments. मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर इक्विपमेंट्स और आइटम्स, इसमें बहुत एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाया हुआ है. स्कूल को अब अलग से सोच सोच के लिस्ट बनाना नहीं पड़ेगा, ये लिस्ट को उठाइए और आपका जो वेंडर है उसको दे दीजिए आपको सप्लाई करने के लिए. सारे के सारे आइटम, यू नो नियर अबाउट 49 items have been given over here, to be precise 49 items, जहां पर कॉन्वेक्स लेंस कितना, कॉन्वेक्स मिरर कितना होना चाहिए, प्लेन मिरर कितना होना चाहिए, ग्लास रॉड्स, टेस्ट ट्यूब, ट्राइपॉड स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, सारे चीजों का नंबर बताया हुआ है. एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन प्रोक्योर फ्रॉम योर वेंडर. उसके साथ लिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो चीज आप लोग कंज्यूम करते हो, खर्चा हो जाता है उसको यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, जैसे हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर्स, इसके बारे में भी एक विस्तार से लिस्ट दिया गया है जो आप
अपने लेबोरेटरी में आपको रखना चाहिए। वहां पर देखिए हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर, आयोडीन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, मैच बॉक्सेस, HCl, मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलिन, लाइव वाटर, मैग्नीशियम रिबन, सल्फर पाउडर, जिंक ग्रैनुल्स, सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन ओवर देयर। एंड बायोलॉजिकल साइंस रिक्वायरमेंट के लिए भी किस तरह के यू नो स्पेसिमेंस आपको चाहिए, इंसेक्टिवरस प्लांट्स, हाइड्रिला, मॉडल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मॉडल्स ऑफ सिंपल पेंडुलम, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, रूट नोड्यूल्स ऑफ राइजोबियम, सो ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो आइटम्स दैट यू वुड रिक्वायर एंड इन विच एंड व्हाट क्वांटिटी, दैट इज ऑल्सो मेंशनड ओवर हियर। नेक्स्ट, इक्विपमेंट्स एंड आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर बैच ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ यू नो परमानेंट स्लाइड्स, कौन से परमानेंट स्लाइड्स आपको चाहिए और कितने चाहिए, एक एक स्लाइड दो दो करके रखने के लिए बोला गया है, सेफ्टी गाइडलाइन के बारे में बात किया हुआ है इसमें, और लिस्ट ऑफ जनरल एसओपी दैट इज स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एप्लीकेबल एट ऑल टाइम्स, लाइक टू वाइड डोर्स फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड एग्जिट फ्रॉम द लेबोरेटरी, एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स इन द लेबोरेटरी, पीरियोडिकली चेकिंग वल्नरेबल पॉइंट्स इन द लेबोरेटरी, इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया है। एंड यू नो ये मैं इतनी जल्दी में सारे पॉइंट्स तो पढ़ूंगा नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा, बट गो टू द सर्कुलर, गो टू द सीबीएसई वेबसाइट, ओपन द सर्कुलर एंड डाउनलोड दैट सर्कुलर एंड कीप अ कॉपी ऑफ दैट इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी सो दैट एवरीवन कैन रेफर टू इट। तो ये हो गया कुछ इंस्ट्रक्शंस, जनरल वर्क रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद देखिए कंपोजिट लैब के बाद फिजिक्स लैब का बात किया गया है, सेम थिंग यहां पर भी है, इंट्रोडक्शन के बाद फिजिक्स लैब का एक्सपेक्टेशन क्या है, करिकुलर एक्सपेक्टेशन, उसके बाद मॉडल लेआउट, देखिए कुछ कंपोजिट साइंस लैब से कुछ अलग, ज्यादा अलग नहीं है, उसी तरह का मॉडल है लगभग फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, मेटेरियल्स क्या चाहिए आपको वो बताया हुआ है, सिमिलरली अगेन द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी प्रोक्योर्ड। सो इस तरह से अगर आप सर्कुलर को स्टडी करते जाए आप देखेंगे कि फिजिक्स के बाद फिर केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के लिए है, केमिस्ट्री का भी अगर आपको लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर कैसा था वो देखने के लिए देखिए, केमिस्ट्री लैब का स्ट्रक्चर भी कुछ अलग नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट इन द सेम लाइंस एज दैट ऑफ द अदर लैब्स दैट हैज बीन मेंशन, कि सिंक होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, हालांकि मुझे ये जो फिजिक्स लैब है उसमें सिंक का किस हद तक जरूरत है वो स्कूल थोड़ा सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि फिजिक्स लैब में रनिंग वाटर का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, सो वी कैन यू नो स्किप दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर फिजिक्स लैब, बट हाँ केमिस्ट्री और बायो लैब में तो बिल्कुल जरूरत पड़ता है रनिंग वाटर का, और कॉम्पोजिट लैब में जरूरत पड़ेगा, तो इस तरह का टेबल आप प्लान कर सकते हो अपने स्कूल के लिए। और 600 स्क्वायर फीट का जो रिक्वायरमेंट है वो तो बताया दिया गया है, यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे स्कूलों को जो साइज है लेबोरेटरी का वो छोटा पड़ जाता है, सो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द साइज ऑफ द लेबोरेटरी, क्योंकि वहां पर ओपन स्पेस जितना ज्यादा रहेगा, मूवमेंट करने का फ्रीडम उतना रहेगा, कंजेस्टेड नहीं रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए बच्चों को तकलीफ नहीं होगा। एंड केमिस्ट्री लैब में खासकर जहां पर स्मोक एंड फ्यूम्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व, वहां पर बच्चों को कोई सफोकेशन फील ना हो, एग्जॉस्ट फैंस, फायर एक्सटिंग्विशर्स, यू नो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए केमिकल्स, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी में टू डू एंड नॉट टू डू थिंग लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट नीड्स टू बी फॉलोड। सो अगेन ऑल दीज थिंग्स यू कैन स्टडी एट योर लेजर, आराम से जाइए वेबसाइट में जाके आप चेक कीजिए क्या क्या चीज आपको प्रोक्योर करना है और आप प्रोक्योर कीजिए, सारा लिस्ट बनाया हुआ है। अभी इसके तुरंत बाद वी कैन गो इन टू नो द प्लेस वेयर दिस इज द बायो लैब। बायो लैब के बारे में भी सिमिलर पैटर्न ही बताया हुआ है, आप देख सकते हो एक ही चीज है, उसी तरह से रिक्वायरमेंट भी जो है आप आराम से यहां से देख के रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए बायो लैब के लिए, क्वांटिटी का साथ रिक्वायरमेंट दिया गया है तो आपका काम आसान बना दिया गया है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी एग्जॉस्टिव वर्क डन बाई सीबीएसई। नेक्स्ट इज ऑफकोर्स लाइब्रेरी, मैथ्स लैब,
मैथ्स लैब का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में बहुत कम जिक्र था एफिलिएशन यू नो बायलॉज में कि मैथ्स लैब होना चाहिए, उतना ही बताया गया था, लेकिन मैथ्स लैब का भी जो डिटेल है किस तरह का इक्विपमेंट होना चाहिए, मैथ्स लैब दिखना कैसा चाहिए, अगेन ये पिक्चर मुझे लगता है उन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ है। तो मैं सीबीएसई को ये सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज मैथ्स लैब का स्ट्रक्चर हो सके तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये मैथ्स लैब के लिए मुझे पर्सनली सुटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंक है, बेसिन है, जो मैथ्स लैब के लिए जरूरी नहीं है, जिस तरह से फिजिक्स लैब के लिए जरूरी नहीं है। तो ये पिक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, और मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ कुछ प्लान्स है, अगर आप चाहें तो मैं आपको शो करूंगा इन माय फ्यूचर वीडियोस कि एक मैथ्स लैब आइडियली कैसा दिखना चाहिए। आप गूगल भी कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे लेबोरेटरीज गूगल में भी अवेलेबल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अच्छा मुझे ये लगा कि आपको आइटम्स क्या क्या चाहिए, यू नो कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज कैसा, टीचिंग फैसिलिटी, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल, यू नो स्टेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, एंड सेफ्टी गाइडलाइंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन यूज फॉर योर मैथ्स लैब। कंप्यूटर साइंस लैब के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मैं मिस नहीं करना चाहूंगा वो है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि मिनिमम लैब साइज जो है 600 स्क्वायर फीट तो बताया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर शुड बी 40 नोड्स, मतलब 40 कंप्यूटर्स होना चाहिए, राइट, एंड मिनिमम वन कंप्यूटर फॉर 20 स्टूडेंट्स अबव 800 स्टूडेंट्स। सो अगर आपका स्कूल का स्ट्रेंथ 800 से ज्यादा है तो हर 20 बच्चे के लिए एक कंप्यूटर नोड होना यू नो आवश्यक है। सो दिस इज द वे एनईपी एंड सीबीएसई इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द लेबोरेटरी। हाँ, 40 कंप्यूटर आपने रखा हुआ है, एफिलिएशन बायलॉज के हिसाब से आपको उसके वजह से एफिलिएशन रुक नहीं रहा है, लेकिन इन लॉन्ग रन अगर आपको लेबोरेटरी को सही मायने में यूज करना होगा तो आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ाना ही पड़ेगा, लेबोरेटरी का साइज बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट यू नो टुगेदर एटलीस्ट 80 स्टूडेंट्स कैन वर्क टुगेदर। आई वुड से 80 बच्चे एक साथ काम करेंगे, 80 कंप्यूटर्स रहेंगे, तो उस तरह का स्ट्रक्चर अगर रहा तो बहुत ही अच्छा है। फिलहाल काम चलाने के लिए, शुरू करने के लिए 40 कंप्यूटर मिनिमम है, वो तो होना ही चाहिए, राइट। एक चीज और बताया हुआ है, एयर कंडीशन फैसिलिटी। कंप्यूटर लैब में एयर कंडीशन फैसिलिटी इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो मशीन्स है उसका लॉन्गजेविटी हो ना बड़े, तो अगर उसका लाइफ ही कम हो जाए, हीट जनरेट करता है कंप्यूटर, उसी हीट में बच्चे बैठ रहे, एक 40 कंप्यूटर एक साथ हीट जनरेट कर रहे उसमें बच्चे बैठ रहे, तो उनके हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम कंप्यूटर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ओवर हीटिंग होने से कंप्यूटर भी जल्दी खराब हो जाएंगे। सो एयर कंडीशन फैसिलिटी इज नॉट अ लग्जरी। स्कूल का मैनेजमेंट को आप प्लीज सजेस्ट कीजिए कि कंप्यूटर लैब में कम से कम एसी का इंस्टॉलेशन करें, राइट। और जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें नो i3 प्रोसेसर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अभी i5 का जमाना चल रहा है, तो i3 प्रोसेसर बेसिक प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा हाई एंड प्रोसेसर नहीं है। 8GB रैम, 500GB का हार्ड ड्राइव, 15.6 इंच का स्क्रीन, UPS बैकअप, ये तो कोई भी कंप्यूटर में होना चाहिए, उसी का जिक्र किया हुआ है। सो इट्स नॉट आस्किंग यू टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन कंप्यूटर्स, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर भी चलेगा। उसके साथ प्रिंटर विद स्कैनर, फायरवॉल सिक्योरिटी, दिस फायरवॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इंस्टॉलिंग कंप्यूटर एंड यू हैव इंटरनेट, इंस्टॉलिंग द फायरवॉल इन द कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल यू नो ब्लॉक साइट्स लाइक चैट एंड यू नो सर्टेन टॉपिक्स लाइक पोर्नोग्राफी, ऑल दीज थिंग्स कैन बी ब्लॉक्ड by using a firewall, which makes browsing very safe. At the same time, a firewall is just like Lakshman Rekha. You know, it protects the child from crossing a line that you have decided for the child to operate in. That's very important. And a smart board with projector, speakers, webcam, LAN connection. So all these are desirable, you know, configuration of computer lab. Operating system, yahan par kahin par bataya nahi ki aapko यू नो विंडोज ही चाहिए, आप चाहे तो लिनक्स यूज करो, वट एवर यू थिंक इज गुड, यूज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और कोडिंग आपको सिखाना पड़ेगा तो पाइथन 2.7 एंड अबव ये होना जरूरी है, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बता रहा है कि 6 to 8 तक भी अभी कोडिंग शुरू करना है, तो कोडिंग के लिए आपको ये पाइथन का जो बेसिक वर्जन है वो होना चाहिए। तो इसमें और भी कुछ है, ऑगमेंटेड रियालिटी, जो वर्चुअल रियलिटी, जहां पर
बच्चों को एक फील आता है कि उस माहौल में वो बच्चा है. देर आर वी आर बॉक्सेस और ए आर बॉक्सेस दैट आर देयर, सो यू कैन यूज दोज बॉक्सेस. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनके लिए भी कुछ स्पेशल इनबिल्ट एक्सेसिबल टूल्स है जो टूल्स आप यूज कर सकते हो. तो इस तरह के यू नो इंक्लूसिव एजुकेशन का भी बात लेबोरेटरी को डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए. इंटरनेट लीज लाइन ऑफ मिनिमम 20 Mbps 1:1. नाउ लुक एट दिस, लीज लाइन इज नॉट योर नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन. लीज लाइन इज अ डेडिकेटेड लाइन दैट इज स्पेसिफिक फॉर एन इंस्टीट्यूट. तो लीज लाइन अगर आप ले रहे हो, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन. आई कैन टेल दैट इट्स नॉट वेरी चीप, बट यू नो इट इज रिकमेंडेड नाउ, क्योंकि आने वाला जो कल है वो इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा. वहां पर आप लोकल जो ब्रॉडबैंड सप्लाई करता है आपको नो फाइबर ऑप्टिक केबल से, जहां पर आप शायद 100 Mbps स्पीड भी आपको दे रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअली उतना मिल नहीं पाता है. ऊपर से उसका फ्लक्चुएशंस और यू नो कनेक्टिविटी हमेशा डिस्कनेक्टेड होते रहता है, जो एक स्कूल आगे चल के अफोर्ड नहीं कर पाएगा. हो सकता है आगे चल के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर्स है वो आपके स्कूल में नो इंटरनेट के जरिए मेल के जरिए आए. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लीज लाइन के लिए अप्लाई कीजिए अभी से और लीज लाइन बना लीजिए. गेट इट, नो इट्स एक्सपेंसिव, नॉट सो चीप लाइक योर ब्रॉडबैंड लोकल कनेक्शन, बट इट्स अ मैंडेट. ये एक सजेशन दिया गया है, प्लीज इसको ध्यान में रखिए. उसी तरह से सर्वर के बारे में बताया गया है कि 2 TB का स्टोरेज होना चाहिए, कम से कम 4. और सर्वर का किस तरह का सर्वर होना चाहिए, सर्वर 2016x19 16 GB i5. यहां पर मैं बोल रहा था ना i5 का जमाना चल रहा है, तो सर्वर जो है उसका जो प्रोसेसर है वो i5 होना चाहिए. नाउ रूल्स फॉर कंप्यूटर लैब, द डूज एंड डोंट्स, प्लीज मेक श्योर यू टाइप और यू नो प्रिंट आउट दीज थिंग्स एंड पुट इट ऑन योर लेबोरेटरीज. लाइब्रेरी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है कि उसका साइज क्या होना चाहिए, चेयर्स टेबल्स, लाइब्रेरी का कलेक्शन क्या होना चाहिए. सो देखिए, मिनिमम लाइब्रेरी को शुरू करने के लिए 1500 किताब बताया गया है एफिलिएशन बायलॉज में, लेकिन अबव 300 स्टूडेंट्स, 300 के ऊपर बच्चे हो गए तो हर बच्चा के लिए 5 किताब होना चाहिए. सो अगर आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो 2000 × 5 दैट इज 10,000 बुक्स यू वुड रिक्वायर. 10 मैगजीन, 6 newspaper, उसमें 2 newspaper इंग्लिश हिंदी एंड 1 regional. सो अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी, अगर आप आंध्रा में हो तो तेलुगु एंड सो ऑन, राइट. ऑडियो विजुअल शुड बी देयर, माइक्रोफिल्म्स, गेम्स एंड मॉडल्स, मैप्स, एटलास, ग्लोब्स एंड चार्ट्स, मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स, पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स, फेमस पर्सनालिटीज. तो लाइब्रेरी को सिर्फ किताब का घर ना बनाते हुए उसमें डिजिटल एस्पेक्ट भी ऐड किया गया है, माइक्रोफिल्म्स, गेम्स, मॉडल्स, मैप्स. तो ये सारे चीज आप लाइब्रेरी में इंक्लूड कीजिए और लाइब्रेरी को यू नो उसका एक 21st century का लाइब्रेरी, पिछला सदी का लाइब्रेरी जैसा दिखना नहीं चाहिए. इट शुड लुक लाइक अ मॉडर्न लाइब्रेरी. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट. सो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT इन द लाइब्रेरी इज इंपॉर्टेंट. डिजिटल लाइब्रेरी अभी हर जगह पे आ गया है, तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए यू नो डिजिटल डिस्प्ले, एट टाइम्स LCD पैनल्स और प्रोजेक्टर्स, डेस्कटॉप्स विद इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी गिवन. लाइब्रेरी ऑपरेशन के लिए नो सॉफ्टवेयर्स आर नीडेड एट टाइम्स, बारकोड्स आर देयर सो दैट यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ द बुक्स. लाइब्रेरी इवेंट्स, एटलीस्ट 6 लाइब्रेरी इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज पर एनम. इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि लाइब्रेरी को फोकस करते हुए, लाइब्रेरी को बेस बनाते हुए कम से कम 6 इवेंट लाइब्रेरी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए. लाइब्रेरी का एक कैलेंडर बनना चाहिए जिस तरह से एनुअल कैलेंडर बनता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज बीन मेंशनड ओवर हियर. एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी. सो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन मेंशनड ओवर देयर. लाइब्रेरियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन है. मैं इंस्पेक्शन करते हुए काफी स्कूलों में देखा कि लाइब्रेरियन एक नाम के वास्ते इंसान को बैठाया हुआ है जिनको लाइब्रेरी के बारे में, बुक्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है. सो एक मेरा ये सजेशन है कि लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन हो, इतना स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरियन हो कि बच्चों को बुक सजेस्ट कर पाए. कि अगर एक बच्चा आके बोले क्लास 5 का कि मुझे फिक्शन का कोई किताब पढ़ना है, तो उसको बोलने के लिए उसके पास कुछ हो. एडवेंचर का पढ़ना है या फिर मुझे यू नो आई वॉन्ट टू रीड सम बुक्स बेस्ड ऑन ट्रैवल, तो उसका कोई सजेशन करने के लिए उसका ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बुक्स का किस ऑथर का जो जॉनर है, वो बुक कहां पर है, कौन से अच्छे बुक्स हैं, तो बच्चों को सजेस्ट करें.
पॉलिसीज और स्टाफिंग कैसे होना चाहिए लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरियन और एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन पीआरटी ग्रेड के। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, देखिए पहले सिर्फ एक लाइब्रेरियन को बैठाया जाता था, अभी साथ में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी बात किया जा रहा है। उसका क्वालिफिकेशन लाइब्रेरियन का तो आपको मालूम ही है, बी लिब या एम लिब होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो है उसका डिग्री ऑफ और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसी तरह से स्पोर्ट्स का एसेंशियल इक्विपमेंट के बारे में बात किया हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में एनईपी और सीबीएसई बहुत दिनों से बोला जा रहा है कि आप फोकस कीजिए, हमारे जो बच्चे हैं कल का भविष्य है, कल के सिटीजन है, वो फिजिकली अगर फिट नहीं रहेंगे तो उनका मेंटल फिटनेस भी बहुत हद तक उस लेवल तक हमको मिल नहीं पाएगा जिस लेवल तक बच्चा कर सकता है। फिजिकली फिट रहेगा तो 100% मेंटल फिटनेस उसका रहेगा, फिजिकली अनफिट हो जाएगा तो द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एज पर द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। सो यहां पर स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस बताया हुआ है कि हेल्थ को बनाता है, कैरेक्टर बनाता है, लीडरशिप डेवलप करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, सोशल लाइफ को इंप्रूव करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में क्या बताया है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, फिट इंडिया के बारे में बोला गया है। स्पोर्ट्स फील्ड विथ ट्रैक, ये एक रिक्वायरमेंट बताया गया है कि मिनिमम 200 मीटर का एक ट्रैक होना चाहिए स्कूल में ताकि आप ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स ले सको, राइट। 200 मीटर का ट्रैक। आउटडोर गेम के लिए क्या चाहिए, बास्केटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस इफ पॉसिबल, स्केटिंग, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, कबड्डी। तो देखिए इसमें ना सारे चीजें हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है आउटडोर गेम्स में मिनिमम टू, तो आप ये लिस्ट से चूज कीजिए एनी टू, और इंडोर गेम्स में से मिनिमम थ्री। तो इसमें भी बहुत एक लिस्ट बनाया हुआ है 15 गेम्स का, उसमें से आप तीन चूज कीजिए मिनिमम। आप चाहे तो जितना ज्यादा चूज करें उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम तीन, राइट। उसी तरह से एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, जूडो, ताइक्वांडो, एक मार्शल आर्ट सिखाना बहुत जरूरी है स्कूल में, खासकर तो लड़कियों को। मैं बताऊंगा जो आने वाला जमाना है, द गर्ल्स नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, तो उसमें मार्शल आर्ट लाइक जूडो, ताइक्वांडो, अलग अलग जो कराटे का स्टाइल्स है, शोतोकान, ताइक्वांडो, तो ये क्योकुशिन काइकान, तो इस तरह के अलग अलग स्टाइल्स में भी कोई भी एक स्टाइल को आप लोग अपनाइए और बच्चों को सिखाइए। स्टाफ रिक्वायरमेंट, फिजिकल एजुकेशन टीचर बीपीएड होना चाहिए, और अगर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वहां पर उनको एमपीएड के बारे में बात किया गया है, राइट। सो एमपीएड यहां पर देखिए आप, अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है प्रेफरेबली द टीचर हैज टू बी अ एमपीएड टीचर, मास्टर डिग्री होल्डर। सो आई होप यू हैव अ फेयर आइडिया नाउ कि इस एसओपी में है क्या। डिटेल तो आपको पढ़ने से ही मालूम चलेगा, मैं वीडियो को उतना लंबा भी नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने की पॉइंट्स जो है उसको हाईलाइट किया। आई अगेन टेल, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस, लैमिनेट करके आराम से स्पाइरल बाइंडिंग करके लैमिनेट करके 2-3 कॉपी बना लीजिए, अलग अलग जगहों पे रखिए, और अगला अफिलिएशन से पहले तैयार हो जाइए कि आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। और ये सर्कुलर 4 तारीख को रिलीज किया गया था, लेकिन बहुत एजुकेटर्स और बहुत सारे प्रिंसिपल स्कूल्स ने इसको देखा नहीं, तो इट वॉज अ रिमाइंडर सेंड बाय ऑल द रीजनल ऑफिसर्स। आज मुझे मेरा रीजनल डायरेक्टर ने खुद कॉल किया था, श्री धर्माधिकारी जी ने, उन्होंने कॉल करके बताया कि प्लीज इसको सर्कुलेट कीजिए अपना डिस्ट्रिक्ट में और एक्नॉलेज कीजिए कि वो सर्कुलेट हो गया। तो इस लेवल में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, सो दिस इज द लेवल एट विच द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द सर्कुलर। अलग अलग रीजनल ऑफिस पर्सनली कॉल करके चेक कर रहे कि सर्कुलर्स सर्कुलेट हुए कि नहीं, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, डिजाइन योर लेबोरेटरीज। ये सिर्फ रूल्स को कंप्लाई करने के लिए नहीं, बच्चों का लर्निंग को एंजॉयबल बनाने के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल होलिस्टिक लर्निंग, एंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड को इंश्योर करने के लिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंश्योर करने के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए ये सारे चीजें जरूरी है। यहां पर करूं या ना करूं ये दोहरा मत नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इन टू माइंड्स। मुझे मालूम है कि स्कूल मैनेजमेंट्स कभी कभी दे नीड मोर टाइम टू गेट कन्विंस्ड, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर हो सके ये वीडियो उनको दिखाइए, उनको मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीइंग अ सीबीएसई मास्टर ट्रेनर, अ सीबीएसई अफिलिएशन यूनिट रिव्यू जो कमेटी है, इस तरह के कमेटी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इन कमेटी से जुड़ के मैं बहुत सारे इंस्पेक्शंस करता हूँ, तो उस बेसिस पे मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इसको लाइटली ना ले,
और इसको जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ना करें आपका एफिलिएशन रुक जाए, राइट? और अगर रुक गया तो आपको कम टाइम में बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ेगा और उसमें टेंशन आपका अलग, काम करने का टेंशन अलग रहेगा, एफिलिएशन फिर आपको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका टेंशन अलग हो जाएगा। सो प्लीज ऐसा मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड हैव अ ग्रेट डे।